बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जब इंसान पैदा होता है तो उसका दिल इस शफाफ पानी की तरह होता है, और जब दुनिया में आने के बाद वो गुनाह करता है, जुल्म करता है, झूठ बोलता है, ज्यादती करता है, उसके गुनाहों की वजह से दिल उसका काला होता शुरू हो जाता है। गुनाह करता है, चोरी करता है, चुगली करता है, बखीली करता है, लोगों के अंदर झगड़ा डालता है, उसके गुनाहों की वजह से ये दिल आस्ता 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 ये दिल काला हो जाता है। जब ये दिल काला हो जाता है तो इस दिल से के अंदर कोई भी अच्छी बात असर नहीं करती, और ये दिल सख्त हो जाता है और इसके अंदर नरमी उठा ली जाती है, और ये दिल स्याह काला हो जाता है। और ये दिल स्याह काला होने के बाद वापस शफाफ भी हो सकता है। अगर आप अल्लाह का जिक्र करेंगे और बुराइयों को दूर कर देंगे, अस्तगफार कसरत से करेंगे, ये देखें अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र करेंगे और लोगों पर रहम करेंगे तो ये दिल इंशाल्लाह अपनी पुरानी हालत में आ सकता है। अल्लाह का जिक्र करने से अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, ये देखें अपनी पुरानी हालत में जिस तरह ये शफाफ पानी आ गया है। अल्लाह का जिक्र करने से, अज़कार करने से और बुराइयों को तर्क करने से और नेकियों की तरफ बढ़ने से दिल उसी तरह साफ हो जाता है, शफाफ हो जाता है, और इंसान को दुनिया में जीने का मजा आता है। आखिर दुआ।